बारहवीं वालों के लिए बिजनेस आइडिया जो बदल सकती है आपकी किस्मत। यदि आप बारहवीं पास हैं और अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस को नई सोच के साथ शुरू करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अच्छा व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। कम पैसों के साथ भी एक बेहतर बिजनेस किया जा सकता है। बस जरूरी ये है कि आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ आपको कुछ ऐसे व्यवसाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप बारहवीं पास करके आसानी से शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बारहवीं पास के लिए व्यवसाय आइडियाज। पर्सनलाइज्ड और कस्टम बिल्ट गिफ्ट स्टोर। आप रोजमर्रा की लाइफ में देखते ही होंगे कि पर्सनलाइज्ड और कस्टम गिफ्टों को लोग कितना पसंद करते हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और फंक्शन गिफ्ट्स के बिना अधूरा है। किसी भी बड़ी सिटी के मार्केट में सस्ते रेट में गिफ्ट खरीदकर अपने एरिया के अंदर रिटेल में बेचना गिफ्ट स्टोर बिजनेस कहलाता है। एक छोटी सी गिफ्ट शॉप सिर्फ 50,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े स्तर के बिजनेस को शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लें। इवेंट ऑर्गेनाइजर। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है शादी, बर्थडे या एनिवर्सरी जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और उसकी सारी चीजों को तैयार करना। आप इवेंट ऑर्गेनाइजर बनकर महीने के लाखों कमा सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप टोटल बजट का 10% भी मानकर चलोगे तो समझ लीजिए कि लाखों की इनकम हो सकती है। ये बिजनेस का एक अच्छा तरीका है, लेकिन यहाँ आपको ज्यादा कोशिश करनी होगी, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। छोटी किराने की दुकान। किराने की दुकान में सारी वो चीजें होती हैं जिनकी जरूरत हमें अपने घर में रोज होती है। आपकी कुल लागत मिलाकर 60,000 से 70,000 तक हो सकती है। किराने की दुकान में प्रॉफिट मार्जिन 25 से 40% तक। FSSAI के नियमों को पूरा करें और लाइसेंस नंबर लें। इसके अलावा आपको अपने दुकान का GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। जिम या फिटनेस सेंटर। आज हर कोई अपनी सेहत को लेकर जागरूक है, इसलिए अगर आप अपना छोटा सा जिम या फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं तो ये अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट अफेयर्स में प्रोपराइटरशिप के तहत रजिस्टर करवाएं। इस बिजनेस में महीने का कुल 70,000 रुपए खर्च हो जाता है। आमतौर पर जिम की फीस 1,000 रुपए महीना। अगर आपके बिजनेस में 200 लोग भी रोज आते हैं तो आपको 2,00,000 प्राप्त होते हैं। जिम या फिटनेस सेंटर कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है। साइबर कैफे का बिजनेस। साइबर कैफे एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट तक पहुंच बना सकता है और उसके बदले वो कैफे के मालिक को फीस देता है। इस बिजनेस में कुल 2,20,000 तक का खर्च आता है। साइबर कैफे बिजनेस में महीने के कम से कम 25,000 से 30,000 की कमाई हो सकती है।